एक्चुअली मेरे को मई में 31 मई को मतलब मेरे को पहली बार फ्रेश होने गया तो मैं कोई पेपर टाइप का देखा पाँच तो मेरे को लगा कि नॉर्मल है फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ सब चीज़ें तो मैं गया डॉक्टर के पास उन्होंने बोला कि ये फ्रैक्चर भी हो सकता है अभी क्लियर कट नहीं कर सकता है स्टोना भी हो सकता है तो आप एक काम करिए आप एंटीबायोटिक दिया उन्होंने कुछ फाइबर दिया वो तो मैं अभी भी नॉर्मली फाइबर लेना चाहिए तो मैं उसको एक चम्मच ले लेना चाहिए तो सर 7 दिन तक तो मैं खाया नहीं मैं दोबारा गया तो उन्होंने बोला ये स्टोना फिर मैं एक और सर्जन के पास गया उन्होंने कहा इसको कैंसर चाहिए फिर मैंने सर आपके बारे में सुना सर तो क्या रिकवरी के चांसेस मतलब दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल ऑलमोस्ट मैं भी जगह नहीं सर मैं आपके पास आ गया फिर आपने बड़े अच्छे से कंसल्ट किया बताया ऐसे ऐसा ये समस्या हो सकती है आगे बढ़ आप अभी नहीं करेंगे मतलब बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको हो आप आइए आप उसको देर करेंगे जितना देर करेंगे इंटरनल टनल उठता चला जाता है तो आपको जल्दी से जल्दी ही कराना है और बहुत मैनेजेबल होता है कोई ऐसा ये नहीं है तो ये बात होती है कि आज भी मैं एक पेशेंट करा था उसका वहाँ से निकला जिसको दोनों हिप्स को गलाया हिप्स को गलाते हुए राइट साइड की हिप होती है हिप की हड्डी होती है वहाँ तक पहुँच गए वहाँ से फिर ट्रैवल करता करता थाई से सर अगर लेट करेंगे 8 महीने आप 24 महीने आप तो वो ये होगा फिर वो क्योरेबल आप कर नहीं जाएंगे समटाइम्स वो ऐसा होता है कई बार होता है कि क्या करते हैं इलाज कराते हैं बट कई बार लैक ऑफ नॉलेज के कारण उस चीज को सस्पेक्ट ना करने के कारण वो मेन चीज को मिस कर देते हैं अब मिस किया तो पेशेंट के मन में क्या हो जाता है कि अब मेरा मैंने सर्जरी तो करा है किडनी और अब मैं होम्योपैथी का मतलब अब मैं आयुर्वेदिक कर देता हूँ बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं सर जिसमें क्या बोलते हैं आप पेन आपको इतना होगा कि आपकी लाइफ ही होपलेस टाइप की हो जाती है आप जॉब छोड़ के बैठ जाते हो काम नहीं कर पा रहे ट्रेवल नहीं कर पा रहे तो इसमें क्या है कि आप आइए यहाँ पे आइए सर के पास आइए ऑलमोस्ट इंडिया में 5-6 लोग हैं सर मेरे हिसाब से जो कि वाफ्ट में क्या बोलते हैं इतना अच्छा सक्सेसफुल रेट मैंने सब जगह देखा था पर मेरे को आशीष सर अच्छा लगा तो मैंने कहा कि सर के पास बाकी हम लोगों का सर थोड़ा सा बिलीफ मिलता है वाफ्ट के बारे में तो मेरे को मैं पहले ही निश्चिंत हो गया था अगर सर से बात करती है सब तो कोई समस्या आएगी नहीं तो सर बस अच्छा रहा जैसा सोचा था वैसा रहा ट्रीटमेंट हाँ सर वैसा रहा सर दूसरी बार मेरा पहली बार हुआ फिर मेरा दूसरी बार में यू ट्रीटमेंट हुआ था तो उसके बाद अभी मैं आया हूँ और अभी मैं दो सेटिंग में कम्प्लीट हो गया उसमें भी कोई इशू नहीं है दोनों सेटिंग में आप जॉब करते रहे खुद आया हाँ जॉब करता रहा मैं खुद आया पहली जब बार में आया था तो मैं एक दिन के लिए जरूर मतलब 2 दिन के लिए नहीं जा पाया था क्योंकि तब थोड़ा सा पेन एक्स्ट्रा था वो भी मेरी केयरलेसनेस थी कि मैं मतलब 1 महीने बाद आया मैं उसी टाइम पे आ जाता मैंने एंटीबायोटिक खा ली एंटीबायोटिक से होता क्या है कि वो सप्रेस हो जाता है सर आपने बताया था फिर वो ज़्यादा पेन करेगा जितना सप्रेस होगा उतना ज़्यादा पेन करेगा वो आपको अंदर जाने में उसका अंदर टनल का साफ कर देना तो इस वजह से पेन का ताकि आप आइए जल्दी से जल्दी जाते जैसे ही आपको पता चले कुछ प्रॉब्लम है आपको फिशर भी है अगर तो उसको क्रीम लगा कर आपको होती है और आप दिल्ली से आसपास हैं मतलब आपको लगता है माइनर सी प्रॉब्लम है तो आप आइए वो भी दिखाइए क्योंकि उसके भी क्या बोलते हैं चांसेस है कि वो फिस्टुला बन जाए उस टाइम पे सही हो जाए तो ज्यादा बेटर 90% ऑफ फिस्टुला जो वो फिशर से स्टार्ट होता है बट नॉर्मली हम रियलाइज नहीं करते इस चीज़ को और वही जो इंजरी होती है वो धीरे धीरे करते करते कंप्लीट थिकनेस जैसे जाती है वो फिस्टुला होता है अब्सेस होता है अब्सेस कोई चीज़ नहीं अब्सेस इज ए फिस्टुला अगर उसको ध्यान से ढूंढा जाए देखा जाए तो उसी टाइम पे आप फिस्टुला को क्योर कर सकते बट वही होता है कि लोगों को नॉलेज नहीं है लोगों को आयुर्वेदिक खाना है बहुत सारे सर गांव में तो और भी क्रिटिकल कंडीशन है यहाँ इतनी दूर क्यों जा रहे हो ऐसे क्यों है वो सब रहता है तो आप अपने बारे में सोचिए आइए दिखवाइए और बेस्ट आपको क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट मिलेगा उसमें सोशल गारंटी जितने जल्दी आएंगे आप उतने सही होते जाएंगे बेसिकली ठीक है सर किसी को आपसे बात करनी हो जानकारी लेनी हो आपका नंबर शेयर कर आप बता दीजिए 7000516464